आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक इमरान हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की काला बाजारी करने का आरोप है, क्योंकि दिल्ली में इस समय ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है और ऐसे में अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करता है, ऑक्सीजन की जमाखोरी करता है तो ये अपराध है। तो हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन से कल तक के लिए जवाब मांगा है, कल तक का समय दिया है और ये पूछा है कि आप जवाब दीजिए कि आप ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जमाखोरी कर रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे। तो हाईकोर्ट को इमरान हुसैन को कल जवाब देना है। आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन पिछली सरकार में मंत्री भी रहे थे और अब उन पर ये बेहद बेहद गंभीर आरोप लगा है। हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर तुरंत तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है सर। कुछ